नमस्कार, गुड इवनिंग। सहारनपुर के खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सहारनपुर अंबाला हाईवे पर आज से टोल प्लाजा शुरू हो गया, जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर कविराज ने बताया कि टोल पर कार, जीप, लाइट मोटर व्हीकल को 160 रुपए, लाइट कमर्शियल वाहन को 255 रुपए, बस और ट्रक को 540 रुपए देने होंगे। गागलहेड़ी पुलिस ने आज 74 मुकदमों में अलग अलग जगह से अवैध शराब पकड़ी, जिन्हें अधिकारी की मौजूदगी में गड्ढा खोद कर दबाया गया। इस दौरान आबकारी अधिकारी मनोज कुमार शर्मा समेत मैं स्टाफ मौजूद रहा। जनपद सहारनपुर के जनमन सभागार में आज आहार निगम स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक आयोजन किया गया, जहाँ सर्वसम्मति से बजट पास हुआ, जो की 1500 करोड़ का है। अब सहारनपुर में होगी खाद्य पदार्थों और दवाइयों की जांच। बता दें, अब जनपद में एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी, जिससे मंडल भर के खाद्य पदार्थों व दवाइयों की जांच हो सकेगी। इसके लिए शासन ने एक एकड़ भूमि को तलाश करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ग्राम लाखनौर में आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की बैठक की गई, जहां पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों से भुगतान न देने, गन्ना मूल्य न बढ़ाने व अन्नदाता किसानों की घोर उपेक्षा पर रोष प्रकट कर विरोध जताया। बीती रात दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बेहट कस्बे में बाइक कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जहां से घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने CHC बेहट में भर्ती कराया। रामपुर मनिहारन पुलिस ने जमानत के कागजों की फर्जी तरीके से तस्दीक करने वाले 3 गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा, जबकि 2 युवक फरार बताया जा रहा है। गिरोह में एक वकील के मिले होने की भी सूचना है, जिसके बाद पुलिस मामले में जुट चुकी है। बेटी ने गवा दी अपनी जान, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं गुनेगार। देखिए SSP कार्यालय के बाहर कैसे छलका एक पिता का दर्द। अजय इरफान है मेरा नाम। क्या मामला है आपका पूरा? अजय लड़की मार दी थी मेरी लॉकडाउन में 8 तारीख को। अच्छा, अभी 2 महीने से भी ज्यादा हो गए, कोई उस पर कोई ना पुलिस ने कोई सुनवाई करी। 2 मुलजिम अंदर है, एक बाहर घूम रहा, कोई सुनवाई नहीं। SSP के यहाँ भी आ गया मेरी कोई। लड़की का क्या नाम है आपकी? भूसखान जी। कहाँ पे शादी हुई थी? अम्बेटा। तो जो कितने महीने पहले डेथ हुई जी? कितने पहले पहले मृत्यु हुई इसकी? 3 महीने पहले जी। अब तक के कोई कार्रवाई नहीं? क्या चाहते हो? थोड़े सी हैं जी। आप क्या चाहते हो SSP से? अजी मैं तो मुलजिम अंदर हो जा, सजा हो जा मुलजिम को, मैं ये चाहता हूँ जी। मैं तो मेरी कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं, ना सामान है मेरी बच्ची का वो नहीं दे रहे, ऊपर से ये धोख दे रहे के फैसला कर ले, ये कर देंगे तो ये कर देंगे। कांग्रेस नेता मुजफ्फर अली ने सरकार को सिखाए सुप्रीम कोर्ट के रोल्स, देखिए क्या कहा। हमारे जनपद के 6 किसानों को जेल में डालने का काम किया गया, उनका जुर्म ये अभी साबित नहीं हुआ कि उन्होंने जलाई या किसी और ने जलाई। 25 दिन पहले उनके खेत में पराली जलाई किसी ने, और उनको उनके ऊपर मुकदमा कर उन्हें जेल में डालने का काम किया गया। ये 6 किसान हैं, अलग अलग गांव के हैं, जोगेंद्र, सुनोब, दयाराम, मेहरवानी के हैं। इन पे 5000 रुपये का जुर्माना हुआ। परदुमन, सुनोब, राजकुमार, ग्राम टपरी, इन पे 5000 रुपये का जुर्माना हुआ। टोपरी, दुष्यंत, सुनोब, राजकुमार, ग्राम टोपरी, इन पे 10000 रुपये का जुर्माना हुआ। संदीप वालिया, सुनोब, प्रीतम, ग्राम गदनपुरा, 15000 रुपये का हुआ। राम कुमार, सुनोब, सही राम, टोपरी, और राजेश कुमार, सुनोब, शिव कुमार, ग्राम मेहरबानी, इन पर भी 2000 रुपये का जुर्माना। इतना किसानों के पास इतना धान भी नहीं हुआ है। 5000 का धान हुआ, 15000 जुर्माना, 15000 जुर्माना। आप बताइए किसान ने रेट ये 70 साल की उम्र के किसानों को आप जेल भेज रहे हैं, क्या अपराध किया है उन्होंने? और सुप्रीम कोर्ट की अगर ये रूलिंग है कि पराली जलाने पर उसमें जेल भेजा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये भी है कि किसानों का 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। क्या इम्प्लीमेंट हुआ उस पर? गन्ने का भुगतान क्यों 14 दिन में नहीं हो रहा है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है? उस आदेश को आप नहीं मानेंगे क्योंकि वो उद्योगपतियों के लाभ के लिए है, आप इस आदेश को मानेंगे क्योंकि इसमें गरीब मजदूर किसान पिस रहा है। इतने का धान उसका नहीं हुआ जितने का जुर्माना लगा दिया। आज हम उनकी जमानत के लिए आए हैं, वो जेल में हैं, उनकी जमानत कराएंगे। और कांग्रेस उस हर किसान के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे विधायक जी और संपूर्ण कांग्रेसजन, हम जनपद के, तो इसके खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक धरना करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। खबरों का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर सेंड करें।